आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई इमेज अगर टेढ़ी लिखी हुई है, स्क्यूड है, तो उसको कैसे करेक्ट करके प्रॉपरली टेक्स्ट को दिखाएंगे, इमेज को कहके टेक्स्ट को प्रॉपर कैसे करेंगे। डिटेक्ट द करेक्ट टेक्स्ट स्क्यू। इन दिस सेक्शन वी विल करेक्ट द टेक्स्ट स्क्यू, टेढ़ा टेक्स्ट है उसको कैसे सही करेंगे। द ओरिजिनल इमेज इमेज इज गिवेन इन दिस प्रोग्राम विच आई विल शो यू व्हेन आई रन माय प्रोग्राम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द यू वांट टू करेक्ट द स्क्यू इमेज देन यू हैव टू इम्पोर्ट अ सी वी टू देन नमपाई एज एन पी देन यू हैव टू रीड दैट इमेज सी वी टू आई एम रीड स्क्यू डॉट पी एन जी देन शो द इमेज एंड सी वी टू वेट टू सो रन एंड सी द स्क्यू इमेज। This is a skew image and you have to correct it by program. So first of all I have read the skew image, then I convert this image into grayscale to find out the particular coordinate of the image. Gray image equals to CV2 CVT color image CV2 color DGR2 gray. Now I convert this image into grayscale and invert the grayscale image using the widthwise knot. अब उसको reverse करेंगे, पहले grayscale करेंगे फिर उसको reverse करेंगे. Gray image equals to CV2 widthwise knot gray image. तो जो gray image जो widthwise knot means reverse कर देगा condition को. Select the x and y coordinate of the pixel greater than 0 by using a column stack method of numpy. और वो pixel के coordinate को find out कर लेगा numpy method, column stack method जो numpy का है, और उससे coordinate कैसे मिलेगा np column stack np where gray image is greater than 0. तो reverse करेंगे तो black white हो जाएगा, white जो है black हो जाएगा और उसका coordinate मिल जाएगा. Now we have to calculate the skew angle. We will use the minimum area react method of CV2 which return an angle range from minus 90 to 0 degree. अब हम इसके लिए minimum area react method को use करेंगे जो कि हमको angle minus 90 से 0 के बीच में देगा और उसको हम include करेंगे. Angle CV2 minimum area react coordinate minus 1. तो इसको ले लेंगे हम तो कोऑर्डिनेट मिल जाए, जो मिला हुआ है वो यूज हो जाएगा और एंगल निकल आएगा. द रोटेटेड एंगल ऑफ द टेक्स्ट रीजन विल बी स्टोर्ड इन अ एंगल वेरिएबल. नाउ वी ऐड अ कोऑर्डिनेट फॉर द एंगल इफ द टेक्स्ट रीजन एंगल इज स्मॉलर देन -45 एंड वी विल ऐड 90 डिग्री. अब अगर जो एंगल मिला है वो 45 डिग्री से कम का है तो आप उसमें 90 ऐड कर दीजिएगा तो प्रॉपर पोजीशन पे आपका इमेज आ जाएगा. एल्स वी विल मल्टीप्लाई द एंगल विद -2 मेक अ एंगल पॉजिटिव. और अगर ऐसा नहीं है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एंगल पॉजिटिव हो जाएगा. सो इफ एंगल लेस देन -45 ऐड 90 टू द एंगल एल्स एंगल इक्वल्स टू माइनस एंगल एंड प्रिंट द एंगल यू विल गेट द एंगल ऑफ द इमेज. कैलकुलेट द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट रीजन. अब क्या करेंगे उसका सेंटर कैलकुलेट करेंगे. एक्स का जो सेंटर है वो क्या है, हाइट एंड विड्थ इक्वल्स टू इमेज शेप. सेंटर इमेज इक्वल्स टू विड्थ बाई टू एंड हाइट बाई टू. तो उसका सेंटर इमेज निकल आएगा. नाउ वी हैव द एंगल ऑफ टेक्स्ट स्क्यू. वी विल अप्लाई द गेट रोटेट मैट्रिक्स 2D जैसे पहले भी हम लोग ने किया था. टू गेट द रोटेशन मैट्रिक्स then we will use the wrap fn method to rotate the angle explained earlier. इसके पहले भी wrap fn हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में, वहां जाके उसको देखिए. और get rotate matrix करने से आपको जितने coordinate की position जितनी positions हैं वो सारी display हो जाएंगी. rotate matrix is equal to CV2 get rotate matrix 2D center image angle or 1.0. it will give you all the matrix of the image. Rotated image equals to CV2 wrap fn image rotation matrix
width, comma height, and border mode CV2. Border mode CV2, border reflection or border reflect, दे देगा कि कैसा border आ रहा है आपका, है ना। अब इसको जब हम ले लेंगे तो वो डिस्प्ले करेंगे अब रोटेटेड इमेज को। तो रोटेटेड इमेज जो आ जाएगी वो हमने यहाँ पे विड्थ में 30 इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरी इमेज बड़ी है तो वो पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको विदाउट 30 करते हैं, फिर विथ 30 करेंगे। रोटेट इमेज, क्योंकि आपको इमेज कैसे बनानी पड़ेगी, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, उसको फिर क्रॉप करना पड़ेगा, फिर उसको सेव करना पड़ेगा। जब वो PNG फॉर्म में सेव हो जाएगी तब वो यहाँ पर यूज होगी। सो यहाँ पे अब CV2 इमेज शो रोटेटेड इमेज, रोटेट इमेज जो आई है आपकी गेट रोटेशन मैट्रिक्स और रैपाफिन को यूज करके वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको रन करें और देखें क्या किया उसने। ये आपकी इमेज थी, जब आपने इसको रोटेट किया तो वो ये आ गई। अब देखें यहाँ पर W कट रहा है, तो W जो कट रहा है उसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर +30 लगाया था कि जो पिक्सल कट रही है वो आ जाए। तो अब इसको फिर से रन करिए, देखिए ये आपका पूरा स्क्यू आ गया। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को ठीक से करके फिर क्रॉप करके अपना काम कर सकते हैं। तो रोटेटेड इमेज को आप प्रॉपर ढंग से दिखा सकते हैं। दिस इज ऑल टुडे इन दिस ट्यूटोरियल। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो माय चैनल रतन अग्रवाल IT इनफॉर्मर, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, एंड फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के हम वीडियो अभी और इमेज प्रोसेसिंग पे देते रहेंगे आपको, जब तक पूरी सारी इमेज प्रोसेसिंग नहीं आ जाएगी हम इसको बताते रहेंगे। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इमेज प्रोसेसिंग का रोटेशन का और भी मेथड है, OCR मेथड भी है जिसमें आप स्क्रीन से इमेज से स्क्रीन पढ़ के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सुबह हमने आपको ऐप के थ्रू बताया है उसको भी हम आपको आजकल में बता देंगे। थैंक यू व्यूअर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, आई नीड इट। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, व्यू कमेंट नहीं करते, प्लीज करा कीजिए। थैंक यू।